नमस्कार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, बल्कि आर्यन की कस्टडी को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इस मुश्किल समय में बॉलीवुड सेलेब्स शाहरुख खान को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। सलमान खान, पूजा भट्ट, सुनील शेट्टी जैसे तमाम सितारों के बाद अब सुपरस्टार सिंगर मिका सिंह भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में सामने आए हैं। ड्रग्स मामले पर तंज कसते हुए मिका सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। मिका लिखते हैं, वाह कितना खूबसूरत कॉर्डेलिया क्रूज है, काश मैं वहां गया होता। मैंने सुना है वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं आर्यन खान के अलावा किसी को नहीं देख सका। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या, हद है। गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे। मिका सिंह अपने ट्वीट के जरिए ये कहना चाह रही हैं कि क्रूज पर हुई इस पार्टी में आर्यन खान के अलावा भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन आर्यन के अलावा कोई और लगता है दिखाई ही नहीं दिया। सिर्फ आर्यन को ही टारगेट करने पर मिका ने अपने ट्वीट के जरिए नाराजगी जाहिर की। मिका सिंह से पहले पूजा भट्ट ने भी बीते दिन शाहरुख खान के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखा था। पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शाहरुख की हिम्मत बढ़ाते हुए लिखा था, मैं आपके साथ खड़ी हूँ शाहरुख, इसलिए नहीं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ ये भी गुजर जाएगा। बता दें, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स पार्टी की जानकारी के बाद एनसीबी ने वहां छापा मारा था। क्रूज शिप में एनसीबी की टीम यात्री बनकर पहुंची थी और फिर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया। इस पार्टी में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे, जिसके बाद एनसीबी ने उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। एनसीबी का दावा है कि आर्यन के फोन से उन्हें ड्रग्स को लेकर कई तरह की जानकारियां मिली हैं, जिसमें कोड वर्ड को लेकर बातें होती थी। पैसों की लेन देन का भी इसमें जिक्र सामने आया है। फिलहाल आर्यन 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे। खैर, आने वाले दिनों में इस केस में एनसीबी क्या नए खुलासे करती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।